हाल ही में मुंबई में गोल्ड कॉमेडी अवार्ड का आयोजन किया गया, जहां टीवी जगत के सितारे अपने खूबसूरत और ग्लैमरस अंदाज में पहुंचे। सुपर डांसर के होस्ट और कॉमेडियन परितोष त्रिपाठी भी यहां पहुंचे। उनका कहना था, हमें लगता है कि ये अवार्ड शो हमारा अधिकार है। आप देखिए, मतलब अभी मैं कहीं बोल रहा था कि कॉमेडी करने वालों पे यही बात होती है कि अरे वो अच्छा कॉमेडियन है, चलो अगला। तो ये जो के बाद बात खत्म हो जाती थी ना, ये वहाँ से बात शुरू हो रही है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि कॉमेडी को सिर्फ हंसी में नहीं उड़ाया जा रहा है, उस इस विधा को सम्मान दिया जा रहा है, इसको अप्रिशिएट कर रहा है, किया जा रहा है। और गोल्ड अवार्ड्स की ये पहल बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। हमारे अच्छे दिन आ गए। सर, मुझे लगता है जो भी लोग नॉमिनीज होंगे हमारे साथ या जिनके साथ मैं होऊंगा, तो मेरी खुशकिस्मती है कि इस कैटेगरी में नॉमिनेट हुआ हूँ। मिलता है तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलता है तो काउंटर नंबर 3 पे मिलूंगा मैं। न्यूज वाले, उनसे ज्यादा कोई नहीं हंसा रहा है, और जो होश में रह रहे हैं वो तो और ज्यादा हंसा रहे हैं। न्यूज में बहुत कॉमेडी है भाई, बहुत ज्यादा कॉमेडी है, हद मचा हुआ है। आप वहां से ये पता चल जाएगा देश में क्या क्या चल रहा है और क्या क्या फनी चल रहा है। नहीं, पॉलिटिशियन कितना हंसाते हैं, मतलब हम लोग हर चुनाव में एक बार हंसते हैं नया। टीवी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत एंटरटेन करते हैं। मुझे लगता है ना कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी इमेज जो है वो कॉमेडियन वाली है, और जिनकी नहीं है वो भी बहुत फनी लोग होते हैं। मतलब जैसे आप कैसे बताऊं कि अमरीश पुरी जी थे ना, उनका भी ह्यूमर था एक, अजय देवगन सर हैं वो कॉमेडी करते हैं, मतलब एक डिफरेंट किस्म की कॉमेडी है। तो मुझे इस तरह के लोग बहुत अच्छे लगते हैं कि जिन पे ठप्पा नहीं लगाया कि वो कॉमेडियन है, मगर उनसे आप मिलेंगे तो मजा आता है। अभिनेत्री अहाना कुमरा भी अपने हॉट अंदाज में यहाँ पहुँची। मुझे लग रहा है बहुत जल्दी एक कैटेगरी, जैसे जाकिर भाई ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि एक थ्रिलर की कैटेगरी आएगी, एक ड्रामा की कैटेगरी आएगी, बट आई वाज वेरी हैप्पी टू नो दैट देयर इज अ स्पेशल गोल्ड अवार्ड्स बीइंग हेल्ड, बिकॉज आई फील कि ये एक बहुत ही कॉम्प्रोमाइज जॉनर है हमारे देश में। लोगों को हंसने का शौक ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि OTT पे स्पेशली, क्योंकि मैं काफ़ी उस प्लेटफॉर्म पर काम करती हूँ, वहाँ पर इस जॉनर की बहुत कमी है। बहुत कम लोग हैं जो कॉमेडी इवन अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों को रुलाना बहुत आसान है लेकिन लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल है। ये एक ऐसी जॉनर है जहाँ पर आपको बहुत दिमाग लगाकर लिखना पड़ता है। एक्टर को आप ये नहीं कह सकते कि सेट पर आ जाओ और देखेंगे क्या होगा, बहुत रिहर्सल्स होती हैं। और क्योंकि मैंने एक ऐसे शो पर काम किया है जहाँ पर हम लोग 16 सीन्स एक दिन में शूट करते थे, और एक सिटकॉम था वो, और दिग्गज एक्टर्स थे, ऐसा नहीं है कि कोई एक्टर बिल्कुल कम था, एक दूसरे से सब बढ़कर थे। लेकिन उसके बावजूद हम लोग की बहुत रिहर्सल्स होती थी, एंड टू बी एबल टू शूट दिस जॉनर आई रियलाइज्ड, क्योंकि वो मेरा पहला कॉमेडी शो था, आई रियलाइज कि उसमें कितनी रिहर्सल लगती है और कितनी मेहनत लगती है। सो आई एम रियली रियली हैप्पी कि आज जितने भी एक्टर्स आए हैं वो लोग इस जॉनर में काम करते हैं, आई एम वेरी हैप्पी टू मीट देम। रुलाना मुझे, इनफैक्ट मैंने एक चीज़ बहुत पहले नसीर सर से कही थी कि मुझे हंसा नहीं जाता ऑन स्क्रीन, दैट इज़ समथिंग आई कॉन्ट डू, आई एम इट्स वेरी इजी, क्राइंग कम्स वेरी इजी टू मी ऑन स्क्रीन, लेकिन मुझे जब कोई बोलता कि हंसो तो मैं दो बार सोचती हूँ कि मैं कैसे हंसूँ, बिकॉज आई थिंक कुछ चीज़ें आपको बहुत नेचुरली आती हैं, कुछ चीज़ें आपको नहीं नेचुरली आती हैं, बट आई रियली फेल्ट दैट मेरे लिए ये बहुत खुलासे वाला काम करना था कि उसके बराबर था, क्योंकि जब मैंने ये शो किया मुझे पता चला कि भैया किसी और को हंसाना इतना मुश्किल है, आप रो दोगे लेकिन अगर जब तक आपका जोक लैंड नहीं करेगा, आप सही टाइम पे पंच नहीं देंगे, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट आर इन्वॉल्वड इन रियली मेकिंग अ कॉमेडी, एंड दैट्स हाउ मुझे लगता है कि इंडिया में वी नीड गुड राइटर्स एंड वी नीड पीपल टू स्टॉप बीइंग लेजी एंड राइट दिस जॉनर। अभिनेत्री सुनैना फौजदार भी पर्पल आउटफिट में काफी स्टाइलिश लग रही थी। तो फर्स्टली आई थिंक विकास ने एक ग्रेट इनिशिएटिव लिया है, आई थिंक इट्स ग्रेट टू एक्नॉलेज यू नो द कॉमेडी जॉनर ऑल्सो, तो टू कम अप विद समथिंग सो स्पेशल फॉर, जैसे मैंने हमेशा उन्हें भी कहा है कि रुलाना बहुत आसान है, हंसाना बहुत मुश्किल है, तो उसी फैक्ट को एक्नॉलेज करते हुए जो उन्होंने किया है, आई थिंक इट्स कमेंडेबल एंड ऑल द बेस्ट टू हिम, एंड यू नो सो हैप्पी एंड एक्साइटेड टू बी हियर, एंड ही इज़ ऑलवेज कम अप विद ग्रेट शोज, सो आई थिंक ये भी एक सुपर हिट ही होगा, सो या लुकिंग फॉरवर्ड।
वहीं हाल ही में शादी के बंधन में बंधी अभिनेत्री सयंतनी घोष भी अपने पति अनुराग के साथ अवार्ड शो में शामिल हुई। बात यह है कि जैसे ही मैं कोलकाता से गई जयपुर अपने रिसेप्शन के लिए और दो ही दिन में मुझे कॉल आता है कि यू वॉन एन अवार्ड, सो आई एम लाइक पति देव यू आर सो लकी फॉर मी। जैसे ही पास पास रहो हम लोग 8 साल से इतना साथ में लिए कि अभी थोड़ा मैंने बोला पति देव तुम मेरी जिंदगी में आए ही नहीं एज अ हस्बैंड, ऑफ कोर्स एज अ पार्टनर वो रहे काफ़ी सालों से मेरे साथ और अवार्ड मिल गया मुझे एज द लोकप्रिय सदस्य एंड आई एम वेरी हैप्पी। और क्या चाह सकती हूँ मैं, ऑन स्क्रीन मेरे कैरेक्टर को दलजीत बग्गा को प्यार मिला है, ऑफ स्क्रीन माय हस्बैंड्स विद मी टू रिसीव द अवार्ड अलोंग साइड मी, सो आई एम वेरी हैप्पी। इसके अलावा कई अन्य सेलेब्स भी यहाँ मौजूद थे। INS रिपोर्ट।